ओम खड़गम चक्र गदे सुजाप परिघाम चोलंबुशुंडिम शिरा शंखम संददधिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास बाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए। चार तारीख की हम बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और ये तिथि जो है भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। शुक्र के साथ, स्वग्रही शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ के भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए कई मामलों में अच्छे योग बना सकते हैं। ऐसे में गुरुजन की सेवा, संत महात्माओं की सेवा जितनी करेंगे ना, उतना मेवा प्राप्त करने के अवसर आपको बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र ये साफ साफ तौर पर आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे, लेकिन बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। मंगल इन दिनों बेकार की बातों में खुद जाकर आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं। डिले करने से, थोड़ा आलस्य भाव से कहीं ना कहीं खुद जाकर पैरों पर अपना पैर कुल्हाड़ भी ना मारे, इस बात का ध्यान रखें। अननेसेसरी के पंगे ना लें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। गौ सेवा करें, सफ़ेद गाय की सेवा करना इस दिन राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए मंत्र आपको हमने बताया, विशेष तौर पर या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, भगवती कृपा प्राप्त होने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं 5 तारीख के दिन बात करें, 5 अक्टूबर के शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग ओवरऑल, हमें विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है किसी न किसी कारण से अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि अपनी कमिटमेंट से बचने का प्रयास करना। चीज़ों शुभ बुद्ध अस्त होने के कारण से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके लिए कोशिश करें, माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। तृतीया है, चंद्रघंटा, भगवती की आराधना करने से विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। चीज़ें कितनी ही अनमैनेज हो, लेकिन यहाँ भगवती कृपा हो जाए तो सुंदर रूप से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। आपकी राशि के अनुसार से देखिए, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बुद्ध अस्त चल रहे हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए, भगवती के मंदिर में जाकर सौंदर्य प्रसादन, सिंदूर तृतीया भी है, जितने भी सिंदूर के सामान होते हैं, मेहंदी इत्यादि, श्रृंगार के सामान, सिंदूर, विशेष तौर पे केस इत्यादि, ये सब भगवती को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। उसमें इत्र ज़रूर रखिएगा, मेहंदी ज़रूर रखिएगा, इससे बुद्ध को शक्ति देने के लिए सुंदर रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 6 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर, तृतीया थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, वृद्धि की तरफ चली गई है, यानी 2 दिन तृतीया का योग बन रहा है, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, तो नवरात्र का चतुर्थ दिवस रहेगा और साथ साथ गजकेसरी योग का निर्माण भी इस दिन सुबह सुबह हो जाएगा। ये गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है, कई रास्तों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ाते दिखाई दे रहा है। धन आगमन और धन जाने दोनों के योग बनते हैं, लीकेज यदि बंद कर ली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, भगवती कुष्मांडा का जन्म विशेष तौर पर दिवस है, चतुर्थ नवरात्र जो होता है, तो उसमें पेठे की बलि भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा, कष्ट निवृत्ति का योग बन सकता है। 2-3 दिन आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, धन लाभ के योग बनने के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं आपको। 7 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग दिखाई देता है, 5वां नवरात्र रहेगा, माँ स्कंदमाता माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है और ये दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है, लेकिन थोड़ी सी वरीज को बढ़ाने वाला है, अननेसेसरी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लाभ के रास्ते भी आपके द्वार पर आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सुंदर रहेगा, गरीब बच्चों में दूध का वितरण करना, माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान करते हुए खीर का उनको भोग लगाना, तो ये सब और मंत्र आपको हमने बताया ही आपकी राशि के अनुसार से, या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सब प्रकार से भगवती कृपा आपको प्राप्त हो, भगवती का आशीर्वाद आपके साथ जीवन में व्याप्त हो। 8 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों अननेसेसरी के आपके लिए पंगों में फंसाने के योग बना रहे हैं, शत्रु कोई ना कोई चाल चलेंगे और आपका समय थोड़ा सा इस प्रकार चल रहा है कि हल्का सा आपने आलस में इधर उधर दिमाग ध्यान भटकाया और उसके कारण से अननेसेसरी के लिए कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रास्ता आपको मिल सकता है, कोई बड़ा अधिकारी आपके सहयोग में आने के योग बन सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है। लाभ की स्थिति अभी भी बनी होती दिखाई दे रही है आपके लिए।
यदि हम बात करें आपकी दृष्टि राशि के अनुसार से, धनु राशि वालों के हिसाब से 9 तारीख की तो बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि और कात्यायनी देवी की आराधना का अवसर, लेकिन साथ साथ बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं। ये बृहस्पति का वक्री होना कई मामलों में आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जो अननेसेसरी की कुछ थोड़ी टेंशन चल रही थी, वरी चल रही थी, उसमें बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता दिखा सकता है। ऐसे पीली चीज़ों का दान करें और हो सके तो विशेष तौर पर नई शक्ति के साथ, यानी आपके अंदर कुछ नई शक्ति का भी उदय होता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ नई रास्ता, बहुत सारे ढेरे में जो स्थितियाँ चल रही थी उसको, परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए आपके अंदर नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं। भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, हलवे का भोग लगाएं, भगवती कृपा से रास्ते योग बन सकते हैं आपके लिए। 10 तारीख का अवसर, भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का दिवस, सप्तमी का नवरात्र उस दिन रहेगा। साथ साथ तुला राशि में बुध का प्रवेश भी हो जाएगा। शुक्र के साथ बुध एकादशवें भाव में जाकर बैठेंगे और ये आपके लिए अच्छे योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और ये आपके लिए विशेष तौर पर एक ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि जब लगातार बहुत दिन तक, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों जहाँ चल रहे थे वो विशेष तौर पर चल रहे हैं, अभी हम कहेंगे वो आपके छठे भाव में चल रहे हैं, और अननेसेसरी आपके जो हीन भावना रखने वाले लोग हैं, आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, वो थोड़े से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देंगे। लेकिन ये स्वरूप भगवती कात्यायनी का जो है, कालरात्रि का, जो शत्रुओं का मर्दन करने के लिए, शत्रु बुद्धि पर विजय प्राप्त करने के निमित्त, या देवी सर्वभूति शक्ति रूपिण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करेंगे ना, देखिए रास्ता पड़ेगा। माँ भगवती कृपा से बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित हैं उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्रचंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है, वो मुल्तान से आया हुआ, 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया, और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति, जो बहुत विशाल मूर्ति है, और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब करीब 50 सालों से हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्याय का नवरण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है, आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है, और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा, नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है, और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं, और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते, और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा, आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठा पटक बनी रहती है, और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है, और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं, कोशिश करें आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे संसार में, आए थे हरि भजन को,
और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्य को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें, और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं उन वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।